लंबी गहमागहमी के बाद भाजपा ने कांगड़ा जिला परिषद पर अपना कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार बैठेंगे। भाजपा नेता रमेश बराड़ को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि स्नेहलता उपाध्यक्ष होंगी। सुबह से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच अपने अपने विजयी सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का ताना बाना बुना जा रहा था, लेकिन अंत में भाजपा ने प्रदेश की सबसे बड़ी जिला परिषद पर सिक्का जमा लिया है। डीसी कांगड़ा ने पुष्टि करते हुए कहा कि भाजपा समर्थित रमेश बराड़ को अध्यक्ष जबकि स्नेहलता को उपाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि परिषद के सदस्यों को शपथ भी दिला दी गई है। बैठक थी और कोरम पूरा होने के उपरांत सुबह 11 बजे के बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई थी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव था उसको आज करवाया गया। तो 1 बजे के आसपास तक लगभग नॉमिनेशन चली हैं। उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 4 नॉमिनेशन आई थी और उपाध्यक्ष के लिए 2। अध्यक्ष के लिए जो 2 नॉमिनेशन आई थी वो विड्रॉ हुई। उसके उपरांत जो इलेक्शन का प्रोसेस है शुरू किया गया और चुनाव संपन्न होने के बाद जो नतीजे हैं वो इस प्रकार से हैं। जो रमेश सिंह बराड़ है उनको अध्यक्ष चुना गया है और स्नेहलता है जिनको उपाध्यक्ष चुना गया है। उसके उपरांत दोनों जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको शपथ दिलाई गई है और इसके साथ ही जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। कितने कितने मत जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए? देखिए, जो अध्यक्ष पद है उसके लिए जो विनर कैंडिडेट है उनको 23 मिला है, जो हारे हैं उनको जो जीते हैं उनको 30 मिला है और जो हारे हैं 23 मिला और 1 नोटा था। और जो उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें जो विजयी रही हैं स्नेहलता उनको 31 वोट मिले हैं और जो हार गए हैं उनको 23 वोट मिला है। इस मौके पर अध्यक्ष रमेश बराड़ ने भाजपा हाईकमान का धन्यवाद किया है। मैं इसके बारे में बिल्कुल, जो नई जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, हमारे मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी का, राकेश पठानिया जी का, बाकी पार्टी के सभी विधायकगण, बाकी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, त्रिलोक कपूर जी, महामंत्री प्रदेश जिला के हमारे अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, हिमांशु मिश्रा जी, बाकी हमारे यहाँ MLA नीता धुमाल जी और बाकी जो विशेषकर मैं धन्यवाद करूंगा उनका, जिन जनता ने मैं यहाँ वोट डालकर जिला परिषद में भेजा है और मैं सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ बहुत बढ़िया कांगड़ा का विकास करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका और हमारे मंत्री जी है जो राकेश पठानिया जी है, विक्रम ठाकुर जी है, उन्होंने बहुत ही बखूबी इस भूमिका का निभाया और हम भी इनके आशीर्वाद से यहाँ जिला परिषद में बढ़िया। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि ये भाजपा की नीतियों की जीत है, इसमें हर छोटे बड़े कार्यकर्ता का सहयोग शामिल है। किसे देंगे जीत का श्रेय? कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वोट डाले हैं और जीत का श्रेय सारी की सारी भाजपा के नेतृत्व को और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सारी टीम यहां कांगड़ा लगी थी। हमें पता था कि यह रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आया है और ये जो सुबह आपके सामने कितनी शोधी हरकत पे आ गई कि पता नहीं कौन से पेन अंदर लेकर जा रहे हैं, जबकि सबको पता कि वहाँ मोहर लग के जो है पोलिंग होती है, उसके बावजूद ये एक जो घटिया पर की राजनीति करने का इन्होंने प्रयास किया इसके बारे में वो एक्सपोज हो चुके हैं। आज विक्ट्री हमारी कन्विंसिंग विक्ट्री हमारी हुई है और इसके लिए मैं सब पार्षदों को और सारे लोगों को कांगड़ के एक उम्मीद ऐसा कुछ नहीं था जी। अध्यक्ष पद जो चुनाव होता है जो जीता वो सिकंदर होता, अंत में केवल 2 ही लोग थे और ये डेमोक्रेटिक राइट है सबकी कि जिसका हक बनता है, जो समझता कि मैं भी लड़ना चाहूँगा वो अपनी केस को प्लीड कर सकता है, किसी ने केस को प्लीड किया होगा, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, पर अंत में चुनाव एक कांग्रेस के और एक भाजपा कार्यकर्ता ने लड़ा है और रिजल्ट आपके सामने। उज्ज्वल हिमाचल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।